हाँ जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं कबाड़ की कर रहा हूँ काम, प्लास्टिक वगैरह का इकट्ठा करना। हाँ जी, कबाड़ का ही काम करते हैं जी। पिछले दिनों में कबाड़ के दाम कम हुए हैं, प्लास्टिक कबाड़ के? हाँ जी कम हो गया है जी। कितने तक कम हो गए हैं? बहुत कम हो गया जी, पहले के दिहाड़ी तो मेरा ठीक ठाक था, अब तो जी कुछ नहीं रह गया, अब तो रेट सारी चीज का कमी हो गया है। हाँ जी, क्या कारण रहा, को पता चला क्या कारण रहा है कि कम हो गए? ये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके वजह से ऐसे ऐसे चक्कर हो गए। इनके दाम कम हुए हैं तो इसके भी दाम कम हो गए। कम हो गए हैं जी। अब घर की जो रोजी रोटी चलती थी, हाँ जी, उसका क्या हाल है? उनका जी राशन भी महंगे हो गए हैं, सारे चीज तो इस टाइम कोई चीज सस्ता ही नहीं है जी, सारा चीज महंगाई चल रहे हैं। हाँ हाँ, जो भी चीज है सारी महंगाई है, कहाँ से हम लोग जी है गुजरा कर पाएंगे बताइए। बिल्कुल। कितने सालों से यही काम कर रहे हैं आप लोग? जी ये हम लोगों को हो गया कम से कम 17 साल जी, 18 साल हो गया ये काम करते हुए। 18 साल हो गए। हाँ जी। सवेरे कितने बजे उठ जाते हैं? जी हम लोग को तो 5 बजे जगना पड़ते हैं जी। 5 बजे दिहाड़ी शुरू हो जाती है आपकी? हाँ जी हाँ जी। और शाम? सुबह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरा इकट्ठा करके फिर यहाँ लाके उसको बड़ा इसमें काटना पड़ता है, छंटाई भी करते हैं, सारा काम करना पड़ता है। सारा काम करना पड़ता है। और उसके बाद फिर दिहाड़ी पूरी नहीं मिल पा रही? पूरी दिहाड़ी नहीं पड़ रहा है जी, क्या करें, अब जो सब दिन लगे हुए हैं उसमें तो लगा ही रहना पड़ेगा, अब तो कोई नौकरी तो मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा, अनपढ़ आदमी क्या कर पाओगे, बस जी इसी में लगे हैं। भविष्य की चिंता खूब हो रही है, दिक्कत भी बहुत ज्यादा है, देखना ये होगा कि क्या सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली हमारी जो केंद्र सरकार है वो आने वाले दिनों में इस वर्ग का भी ध्यान रख पाएगी। क्या रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे ये परिवार जो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, रोजी रोटी भी कमा रहे थे, उनकी रोजी रोटी बिना किसी दिक्कत के चलती रह पाएगी? क्योंकि इन दिनों में प्लास्टिक कबाड़ के दाम बहुत ज़्यादा गिरे हैं और उसका ये दुष्परिणाम है कि अब इन परिवारों के अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा है।